ये तस्वीरें 10 नवंबर की हैं, जब रतलाम के आलोठ में कांग्रेस विधायक खाद बिक्री केंद्र पर पहुंचे थे। विधायक जी ने खूब हंगामा काटा था, कर्मचारियों को खूब भला बुरा कहा था, लेकिन किसानों के मसीहा बनने के चक्कर में विधायक जी पर ही खाद लूट का मामला दर्ज हो गया। अब विधायक जी भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना आप सभी के संज्ञान में है। थाना आलोट अंतर्गत एक FIR रजिस्टर हुई थी, इसमें जो खाद वितरण केंद्र में घटना घटित हुई थी और इसमें कायमी करते हुए दो मुख्य आरोपी और इसके अलावा अन्य लोगों पर भी कायमी हुई है। एक आरोपी इसमें हिरासत में है और जो दूसरे आरोपी हैं माननीय विधायक आलोट हैं, तो उनके गिरफ्तार ना होने की दशा में माननीय न्यायालय ने इसमें एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उसमें आगे की जो 82-83 की प्रक्रिया है वो भी शुरुआत कराई गई है, जिससे कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। दरअसल आलोट के खाद बिक्री केंद्र पर जब विधायक जी पहुंचे और हंगामा किया, इस दौरान कई बोरी खाद वहां से गायब हो गई। बस इसी वजह से विधायक मनोज चावला फंस गए और उन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि उस वक्त रतलाम में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद थे और प्रशासन पर केस वापस लेने का दबाव भी बनाया था, लेकिन प्रशासन नहीं झुका। आपको बता दें कि विधायक मनोज चावला ने अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अब पुलिस ने विधायक जी की संपत्ति कुर्क करने का आवेदन भी कोर्ट में लगा दिया है। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।